हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज़। आगे जिस तरीके से कोरोना को लेकर पूरे देश में लॉकडाउन हो रखा है, अलग अलग जगहों से अलग अलग मदद भी आ रही है सामने, लेकिन फरीदाबाद से जेसी बोस वाईएमसीए विश्वविद्यालय ने हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड में 25 लाख रुपए दिए हैं, जिसमें विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक और गैर शिक्षक स्टाफ सदस्यों ने अपने वेतन का 10% हिस्सा दिया है। विश्वविद्यालय पूरे हरियाणा में ऐसा सबसे पहला शिक्षण संस्थान बना है जिसने सहायता राशि दी है। इसके साथ साथ विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर दिनेश कुमार ने फरीदाबाद प्रशासन को अपना बॉयज हॉस्टल क्वारंटाइन बनाने के लिए पेश किया है। ये हमारे मुख्यमंत्री जी की भी अपील थी कि सभी जो एम्प्लॉयज हैं सबको पैसा देना है। इस ऐसे कार्य में जब देश के ऊपर ऐसी बड़ी विपदा आई है कि बहुत सारे जो हमारे डेली वर्कर हैं, डेली वेजेस वर्कर हैं, उनको काम उनका ख़त्म हो गया, तो सभी लोगों को हेल्प करने के लिए जो हम लोग बड़े भाग्यशाली लोग हैं, जो सब नौकरी पेशे वाले लोग हैं जिनको सैलरी मिलती ही है, चाहे हम घर बैठे हुए हैं फिर भी सैलरी मिलती है, तो हम सब लोगों ने सोचा मिलकर क्यों ना हम भी इस पुण्य के कार्य में अपना हिस्सेदारी करें। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपके साथ शेयर करते हुए कि जेसी बोस यूनिवर्सिटी के जो हमारे कर्मचारी हैं, शिक्षक कर्मचारी, गैर शिक्षक कर्मचारी, सभी ने अपने स्वैच्छिक ढंग से ये सोचा कि हम भी मुख्यमंत्री जी की अपील को मानते हुए अपने वेतन का 10% हिस्सा मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया जाए।